हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो वेलकम बैक। और आपको ये पता होगा कि मैं किस तरह के वीडियो शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं स्टेशनरीज और अपने व्लॉग्स ही शेयर करती हूँ। बट आज जो है मैं कुछ शॉपिंग मैंने की थी रिसेंटली। मैंने जिम ज्वाइन किया है, लगभग 10 या 12 डेज हो गए हैं मुझे जिम ज्वाइन किए हुए। और उससे 10-12 डेज में ही मुझे पर्सनली तो काफ़ी असर पता चल रहा है। बट वेट करते समय जो है मुझे वेट वेइंग मशीन पे उतना नहीं पता चल रहा है। बट बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो खैर ये तो अलग की बातें हो गई, पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने कुछ जिम के वियर्स ख़रीदे हैं। क्योंकि जिम मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने जो भी मेरे पास लोअर टी शर्ट थे वही पहन के मैं जाने लगी थी। बट वहाँ पे जाने के बाद जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मस्ट हैव लगने लगती हैं, और फिर मैंने वो चीज़ें ख़रीदी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को लेकर जाती हूँ, तो अब उसको भी वो कहने लगी मुझे भी जिम वाला ही कपड़ा पहन के चलना है। तो जिम के लिए उसके मैंने एक सेट पहले ख़रीदा था, बट अब की बार स्पोर्ट्स की शॉप पे गई थी तो स्पोर्ट्स की शॉप पे मैंने ये उसके लिए एक लोअर ख़रीदा जिम का, ये इस तरह का लोअर ख़रीदा, और एक ये नॉर्मल सी टी शर्ट ख़रीदी क्योंकि उसको भी शौक था कि मैं जिम वियर में ही जिम जाऊँ। तो मुझे उसके लिए ये लिया मैंने, और सिंपल है ये और बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद में मैंने जो अपने लिए चीज़ें ली वो ये सारी हैं, और ये मैंने अपने लोकल शॉप से ही ली हैं। बट अगर आप अगर मुझे इनके लिंक मिल जाएंगे ऑनलाइन तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये एक लिया था इस कलर में, ये लोअर है जो कि स्किन फिटिंग का लोअर है और इस तरह का प्रिंट है, और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। क्योंकि मैंने इसको पहले ट्राई किया घर आके, वहाँ नहीं ट्राई किया था क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स की शॉप से ख़रीदा था, किसी मॉल या किसी इस तरह के नहीं से ख़रीदा है। मैंने नॉर्मल सी एक स्पोर्ट्स वियर की शॉप थी वहाँ से ही लिया है। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स वियर की शॉप में जब आप लेंगे लोअर टी शर्ट या इस तरह के, तो वो आपको स्पोर्ट्स क्वालिटी के या जिम क्वालिटी के ही मिलेंगे। और आप अलग कहीं लेंगे तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि उस क्वालिटी का दें, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि नहीं बिल्कुल ये ले सकती है, बट स्पोर्ट्स क्वालिटी अलग ही होती है। तो ये मैंने एक लिया। तो उसके बाद में मैंने इसका जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा दूँ, वो है 625 का ये है। बट पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये टेक्नो स्पोर्ट वुमेन एक्टिव वियर है, द एंटी माइक्रोबियल स्पोर्ट्स वियर। उसके बाद में मैंने एक ये लोअर इनर ख़रीदा है, तो ये शॉर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स सन के शॉर्ट्स हैं ये, ये मैंने लिया है। और ताकि जब आप लोअर पहने तो आपकी जो पीछे की क्रीजेज हैं वो पता ना चलें, तो इसलिए मैंने ये एक लिया है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसको भी मैंने पहन के देखा और बहुत ही कंफर्टेबल ये है पहनने में। और इसकी प्राइसिंग जो है 340 है इसकी प्राइसिंग, MRP 340 है। और फिर देखिए लोकल शॉप पे आपको डिस्काउंट तरह तरह के मिल जाते हैं, कुछ आपको ऐसे कंसेशन कर देंगे, कुछ बारगेन कर देंगे, कुछ फिक्स प्राइस शॉप होती हैं। और आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी आपको डिस्काउंट के साथ या कूपन्स के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैंने एक लिया। उसके बाद में दो मैंने अपर इनर लिए हैं, तो ये अपर इनर हैं इस तरह के, बैक इसका इस तरह का है और ये फ्रंट इसका इस तरह से है। और इसमें यहाँ से आप इसके ये पैडेड है, यहाँ से आप इसके पैड्स रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये पैड्स ख़राब हो जाते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं इधर से। तो ये मैंने लिया, और ये ईच पीस मिला है मुझे
699 इसका MRP है, कुछ 10% उन्होंने सब चीज़ों पे लेस किया था, तो मुझे लगभग ये 630 का मिला है 1 पीस। तो इसके मैंने 2 पीसेस ख़रीदे हैं ये, और एक ये शॉर्ट्स ख़रीदा हुआ है, एक ये लोअर ख़रीदा है। इतनी चीज़ें मैंने जिम के लिए ख़रीदी, तो जिम जाना, तो जिम की फ़ीस देना, उसके बाद भी आपको जिम की कुछ चीज़ें आपको लेना मस्ट हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाएगा, बट अगर आप ले सकते हैं तो अच्छा है। तो ये था आज की छोटी सी शॉपिंग जिम के लिए। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड